बनाई जनता बिल्कुल मोल्टेक पैकेजिंग अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोल्टेक पैकेजिंग इनफैक्ट मुझे याद है मोल्टेक टेक्नोलॉजी शायद एसआईपी स्टॉक के तौर पे दिया हुआ हमने और ये भी एक बेहतरीन वही ग्रुप कंपनी है और जबरदस्त कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है 1500-1600 करोड़ की मार्केट कैप है और बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। मैंने इसके जो क्रेडेंशियल्स देखे और पूरी अगर कंपनी के बारे में पढ़ रहा था वेबसाइट को देख रहा था तो बहुत कुछ चीजों में ये पायनियर है इंडिया में और 1986 से ये कार्यरत है ये कंपनी और ये लीडर है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग की कंपनी इंडिया के अंदर और ये इंजेक्शन मोल्डेड जो कंटेनर्स होता है फॉर ल्यूज पेंट्स फूड्स और अदर प्रोडक्ट्स के लिए तो काफी चीजें जो हमें दिखती है हमारे रोज की जिंदगी में वो इस कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होती है पैकेजिंग के तौर पे और 7 प्रोसेसिंग प्लांट्स है कंपनी के और करीब 20,000 टन पर एनम का कैपेसिटी इन्होंने बना रखा है और ये पायनियर है इनोवेटर है पेल पैकेजिंग इंडिया में और इन्होंने स्पाउट्स और इनमोल्ड स्पाउट्स का कॉन्सेप्ट पेंट्स और ल्यूब इंडस्ट्री के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ये अगेन पायनियर है मोल्ड इनमोल्ड लेवल पैक डेकोरेशन के लिए और एकमात्र कंपनी इंडिया के अंदर जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पूरा पूरी फैसिलिटीज बनाए हुए फ्रॉम लेबल मेकिंग मोल्ड एडेप्टेशन टू मेकिंग इवन इन हाउस रोबोट्स और इनके कई जो ऑपरेशंस है आईएमएल के तो वो भी रोबोट से हैंडल्ड होते हैं सो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत सारी चीजें बट उसके बारे में अब नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे जो नंबर्स है मतलब 22-23 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 20% के लगभग है सेल्स की कैगर भी 11-12% के लगभग रहती है बहुत हाई ओपीएम मार्जिन पे कंपनी काम करती है 20% के लगभग और मैं जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो बेहतरीन है 2 करोड़ का लास्ट जून का पैट था इस बार 12 करोड़ है ठीक है क्योंकि जून क्वार्टर थोड़ा लाजमी था ये हल्का रहता पैकेजिंग और सारी कंपनियों के लिए बट मोटा मोटी ये कंपनी हर क्वार्टर में 9-10 करोड़ कमाती थी और अब ये पिछले 3 क्वार्टर से 15 करोड़ 18 करोड़ 12 करोड़ सो डबल डिजिट में टीन्स के ऊपर निकल गई है बेसिकली कंपनी। और मैं देख रहा था जो सारे जो फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस है इस पे FIIs का करीब 8-8% FIIs के पास है और DIIs ने स्टेक बढ़ाई है जून क्वार्टर में 14% 14.32 और फिर कुछ नामचीने लोग भी इन्वेस्टेड है अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट में देखे तो मिस्टर आशीष कचोलिया का नाम आता है जब वहां उनका नाम आ जाता है तो काफी स्ट्रांग और काफी बड़ा नाम है जहां पे भी मिड कैप स्मॉल कैप की बात आती है तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए पहला टारगेट में 590 का और दूसरा टारगेट 630 का आने वाले 3 से 6 महीने।